हेलो एवरीवन, और स्वागत है आप सभी का लाइफस्टाइल ट्रेवल्स के एक और ट्रेन जर्नी में। और आज का ट्रेन जर्नी है वो है न्यू दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस पे। तो चलिए अब जल्दी से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं और ये वीडियो को हम लोग ये ट्रेन जर्नी को हम लोग आज का ट्रेन जर्नी को हम लोग शुरू कर लेते हैं। वेलकम बैक एवरीवन। सो अभी हम लोग हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज साइड में, यानी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड में, और यहीं से हम लोग का ट्रेन है जो कि है न्यू दिल्ली दौराई शताब्दी एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 04051। और हम लोग का ट्रेन जर्नी है वो है न्यू दिल्ली से जयपुर तक के लिए ही केवल। और अभी टाइम हो रहा है, जैसे देख सकते हैं 5:30 हो रहा है अभी टाइम। और हम लोग जो ट्रेन है वो है 6:10 AM पे डिपार्चर हम लोग का ट्रेन का, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आज इसका डिपार्चर होगा। और ये हम लोग को जो है जयपुर अराउंड 11 AM तक पहुंचा देगा। तो जैसे ही ट्रेन आता है तो फिर उसके आगे का जर्नी, जब ट्रेन आता है तो हम लोग करते हैं स्टार्ट करते हैं हम लोग का जर्नी। और अगर आप लोग को ये हम लोग की जर्नी पसंद आता है तो एक बार लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और अब चलिए, जैसे ही ट्रेन आते हैं थोड़ी देर में तो हम लोग आगे का जर्नी है वो कंटिन्यू करते हैं। ओके, हम लोग का जो ट्रेन वो आ चुका है जो कि है शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली से दौराई। और हम लोग का जो कोच है वो है C11 में और सीट नंबर है 30। तो बस चलते हैं हम लोग अंदर और मैं बता दूँ कि अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं। और दिखा दूँ मैं आप लोग का अंदर का पूरा नज़ारा जो कि आपका शताब्दी एक्सप्रेस का होता है। शताब्दी एक्सप्रेस में आपको पूरा जो है वो AC चेयर कार ही है और एक एग्जीक्यूटिव AC एग्जीक्यूटिव चेयर कार है। और इसमें हम लोग का सीट नंबर सीट है और साथ ऑलराइट। सो हम लोग जो है अपने यहाँ सीट पर बैठ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं सीट काफ़ी सही है। और यहाँ पर आप ऊपर में जो देख सकते हैं, ये हम लोग पेपर भी प्रोवाइड किया हुआ है। और यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं कि ये जो है आपको ये पूरा पर्दा लग दिया है, फिल्म दिया हुआ है कि आप इससे आप अपनी शीशा को ढक सकते हैं। और साथ ही आप तो पहले देखेंगे कि पीछे में एक LED लगा हुआ था, तो उसमें आपको LED भी इसमें शो करता है कि कौन स्टेशन आने वाला। साथ ही एक और बात बता दूँ कि इसमें हर स्टेशन आने से पहले अनाउंसमेंट किया जाता है, और स्टेशन जब डिपार्ट करता है तब भी अनाउंसमेंट होता है। तो आप थोड़ी देर में सुनेंगे अनाउंसमेंट, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी अनाउंसमेंट होगा। तो जैसे ही अब ट्रेन थोड़ी में स्टार्ट होता है तो हम लोग आगे के जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। Smoking is not permitted in the train, even in the washroom, and is punishable. ओके, मैं बता दूं आप लोग को कि हम लोग अब न्यू दिल्ली से जो है डिपार्ट कर चुके हैं। और हम लोग जो ट्रेन है वो अराउंड 10 मिनट्स लेट से डिपार्ट किया है। तो अभी जो ट्रेन है वो अभी 10 मिनट्स डिले से चल रहा है। और अब चलिए, अब जर्नी स्टार्ट हो ही चुका है तो अब बने हम लोग के साथ ये जर्नी में। और मैं मिलता हूँ आप लोग को आगे। भारतीय रेल गुड़गांव से चढ़ने वाले सभी यात्रियों का गाड़ी संख्या 04051 नई दिल्ली दौराई शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी में स्वागत करती है। धन्यवाद।
ऑलराइट, तो मैं अभी बता दूं कि अभी टाइम हो रहा है वो हो रहा है 8:30 AM और हम लोग जो है अभी करीब रेवाड़ी से निकले हैं थोड़ा पहले ही, और अभी भी ट्रेन जो है वो करीब हाफ एन आवर लेट चल रहा है। तो अभी बस थोड़ा देर बाद करीब हाफ या करीब 1 आवर बाद अलवर आएगा 9:30 के आसपास, तो वहाँ जाके हम लोग सबसे कुछ नाश्ता करेंगे अलवर में ही, और फिर उसके बाद आगे हम लोग का जर्नी कंटिन्यू रहेगा। ऑल राइट, ऐसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अलवर में कल 2 ही मिनट का स्टॉपेज था, जिससे कि हम लोग यहाँ पर कोई भी फूड का आइटम्स यानी कुछ भी खाने के लिए ले नहीं पाए स्टेशन पर से। तो जो अभी अब IRCTC में का जो ट्रेन पे आता है जो पोहा या मैगी ये सब जो पैक्ड वाला रहता है वो आता है, तो उसको लेते हैं और फिर उसको खाएँगे और फिर उसके बाद कहीं भी देंगे। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 9:30 और ट्रेन अभी भी हाफ एन आवर लेट ही चल रही है, और अभी इसका जयपुर पहुंचने का टाइम अराउंड 11:30 AM का है। तो और फिर तो तक आप लोग बाहर का ये सब व्यू देखिए, आप देख सकते हैं ये व्यू आप इंजॉय किए तक बाहर का। अलग है, सो हमने यहाँ पर एक कॉफ़ी और ये मैगी मंगवाई हुई है, और इस मैगी जो है आपको 55 रुपीज़ की थी और कॉफ़ी जो है 25 की है। तो कॉफ़ी का सेंसर देख सकते हैं प्राइस जो है, इसका जो प्राइस है नीचे में जो मैं ख़त्म कर रहा था आपको दिखा नहीं सकते, तो प्राइस सही लिया है, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया है। तो बस हम लोग आते हैं, बोला है 5 मिनट बाद उसको ओपन करने के लिए, तो जैसे ही ओपन करेंगे उसके बाद फिर तब तक हम लोग कॉफ़ी पियेंगे। तो कॉफ़ी ठीक है, मीठा भी ज़्यादा नहीं है, कड़वा भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ऑलराइट गाइस, सो अब टाइम हो रहा है 10 AM और अभी हम जस्ट थोड़ा पहले जो है वो बांडीकुई से हम लोग निकले हैं, और अब यहाँ से अब डायरेक्ट कोई भी स्टेशन का स्टॉपेज नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से जयपुर का ही स्टॉपेज है, जो कि अब अराउंड 11:30 के आसपास जो है वो आएगा, और फिर अभी भी ट्रेन जो है हमारा आधा घंटा लेट चल रहा है। और फिर उसका बता दूँ जो हम लोग ने मैगी और कॉफ़ी मंगवाया था जो पैकेट वाला था कप वाला था, उसमें था कि उसका टेस्ट सही था, बट अगर आपको उसको खाना चाहिए अगर आपको खाना नहीं आता तो आपको वो टेस्ट सही नहीं लगेगा। और अब बस ये लास्ट फेज है इस टूर का, तो बने रहिए हम लोग के साथ। ओके गाइस, सो फाइनली अब हम लोग यहाँ जयपुर जंक्शन पर पहुँच चुके हैं, और हम लोग जो है अभी भी 11:15 हो रहा है, यानी कि आधा घंटा लेट पहुँचे हम लोग, जो कि हम लोग ट्रेन शुरुआत से ही लेट हो रहा था। और अब हम लोग चल रहे हैं अपने रूम पे जहाँ हम लोगों ने होटल लिया है, और इसी के साथ गाइस हम लोग आज का जो ट्रेन जर्नी था हम लोग का न्यू दिल्ली से जयपुर का शताब्दी एक्सप्रेस में, उसको हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं। तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि कैसा लगा ये ट्रेन जर्नी,
और फिर मैं मिलता हूँ आपको और भी दूसरे वीडियोस में, जयपुर का बहुत सारा वीडियोज आएगा, तो उसके लिए चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और टाटा।